नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइव पर। म्यूजिक इंडस्ट्री से बीते दिनों एक बुरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि बीते दिनों सिंगिंग की दुनिया में अपने आइकॉनिक गाने के लिए मशहूर टोनी बेनेट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 96 साल की उम्र में पॉप सिंगर ने अपनी अंतिम सांस ली है। टोनी ने अपनी आखिरी सांस अपने होम टाउन न्यूयॉर्क में ली। बता दें कि उनके निधन का कोई भी विशेष कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि साल 2016 में उन्होंने अल्जाइमर रोग का सामना किया था, अल्जाइमर के शिकार हुए थे। जैसे ही टोनी के निधन की खबर सामने आई, सेलिब्रिटीज और फैंस अब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और टोनी बेनेट ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। उनका कई गानों का रिकॉर्ड है, खूबसूरत करियर है और न केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी उनके फैंस से उनके गाने के दीवाने हैं। उन्होंने अपने गानों से फैंस के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है। टोनी सिर्फ 10 साल की उम्र के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। उनका पूरा परिवार गरीबी में डूब गया और टोनी ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की जहाँ संगीत का उन्हें सहारा मिला और अपनी पढ़ाई के साथ साथ संगीत की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और सिंगिंग के करियर में अपना नाम बनाया।